लाइफ, इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करवाया था और अब हम इसमें आगे करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बैकवर्ड और फॉरवर्ड के बारे में बताया था ना, बैकवर्ड नंबर और फॉरवर्ड नंबर के बारे में, और अब हम सीधा नंबर लाइन के थ्रू ऐड कैसे करते हैं वो सीखेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ऐड 9 and 15, हमें क्या करना है, 9 and 15 को ऐड करना है किसके थ्रू, नंबर लाइन के थ्रू, ठीक है। तो हमें क्या, जहाँ जो बड़ा नंबर है वहां से लेके कुछ मतलब काउंटिंग लिखनी है, ठीक है। देखिए 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 and 30 तक मान लो ले लिया, 28 तक लिख लो, मतलब आपके 9 स्टेप तो थोड़े मतलब 9 नंबर्स तक आगे या 10 नंबर्स तक काउंटिंग लिख लो ना। जैसे 15 स्टार्ट कहाँ से करोगे, जो बिग नंबर होगा वहाँ से, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30। अब हमें क्या करना है, ये देखो 9 को 15 में ऐड करना है। तो देखिए ये हमारा 15 है ना। हम कितने स्टेप आगे चलेंगे, फॉरवर्ड चलेंगे, कितने स्टेप चलेंगे, 9, क्योंकि 9 ऐड करना है, जो नंबर हमें ऐड करना है हमें उतने ही स्टेप हमें आगे चलना है, ओके। जैसे ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हमारा हो गया 9, है ना। 1 step 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए ऊपर ऐसे लिख लीजिएगा जब काउंटिंग करोगे, ठीक है। कहाँ पर पहुंच गए आप, 24 पे, यानी 9 और 15 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए, 24। देखिए करके भी देखते हैं, 15 है यहाँ पे प्लस 9, 15 और 9 को ऐड किया तो हमारा क्या आया, 24। आप इधर इधर रफ में करके भी देख लीजिए, 15 में 9 को ऐड कीजिए, यहाँ कोई संख्या नहीं, इसका मतलब 0। ये वंस की प्लेस होती है, ये आपकी टेंस की प्लेस होती है ना। 9 plus 5, 14, 14 का 4, 1 कैरी, 1 plus 1, 2, ये आ गया 24। इसका मतलब ये हमने बिल्कुल सही किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन से समझेंगे। दिनेश हैज 46 मार्बल्स, हिज फ्रेंड सनिका गेव हिम 14 मार्बल्स, हाउ मैनी मार्बल्स डज दिनेश हैव नाउ, यानी दिनेश के पास कितने मार्बल थे, 46 मार्बल, और उसकी फ्रेंड साहिबा ने उसे कितने और मार्बल्स दिए, 14। तो हाउ मैनी मार्बल्स डज दिनेश हैव नाउ, तो अब दिनेश के पास कितने मार्बल है, इसमें भी क्या करना है, हमें ऐड करना है, जहां पर मोर आ जाए टोटल आ जाए वहां पे हमें क्या करना है, ऐड करना है, ओके। तो ये देखिए हम इसमें नंबर लिख लेते हैं, 46, 47 काउंटिंग लिख लेंगे पहले हम, ठीक है, 46 से, क्योंकि देखिए बिग नंबर हमारा 46 है और स्मॉल हमारा 14 है, मतलब 14 स्टेप तक या 15 स्टेप तक आगे नंबर लिख लेंगे हम, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, ओके। अब हमें यहां से इस स्टेप से चलना है, 46 से, क्लियर। अब देखिए कितने स्टेप चल रहे हैं हमें, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
थर्टीन फोर्टीन, कहाँ पर पहुंचे हम सिक्सटी पे, है ना, कहाँ पहुंचे सिक्सटी पर। देखिए फोर्टी सिक्स प्लस फोर्टी, है ना, इसको वैसे भी हम ऐड करके देख सकते हैं, वंस और टेंस की प्लेस में लिखे, ये वंस हो गए, ये टेंस, सिक्स प्लस फोर टेन, वन कैरी, फोर प्लस वन फाइव, प्लस वन सिक्स, यानी हमारा आंसर आ गया सिक्सटीन। ओके, हमने क्या किया, 46 से हम 14 स्टेप जो है फॉरवर्ड चले, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया 16। अब देखिए, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 14 फ्रॉम 16। अब हमें क्या करना है, 14 को 16 में से माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, इनमें तो हमने क्या किया था ऐड, और ऐड किया था हम फॉरवर्ड चले, अब हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे बैकवर्ड चलेंगे, ठीक है, यहाँ पर नंबर्स लगा लेंगे, देखिए बिग नंबर है वहां तक हम नंबर्स लिख लेंगे, 16 है तो लाइन के ऊपर, लाइन से ऐड करना है तो लाइन पर हम 16 तक नंबर्स लिख लेंगे, 0 से लेंगे 0 1 2 3 4, ठीक है, और उतने ही नीचे बॉक्सेस लिख लेंगे, यहाँ पर नंबर लगा लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, मतलब लिखो तो लिख लो, नहीं तो 16 तक भी लिख सकते हो, है ना। अब हमें क्या करना है 16 पे जाना है, ये हमारा है 16। अब कितने स्टेप बैकवर्ड चल रहे हैं, फॉरवर्ड के लिए तो हमें क्या करना था, सॉरी ऐड के लिए हमें क्या करना था फॉरवर्ड, है ना, अब सब्ट्रैक्ट के लिए हमें क्या करना है बैकवर्ड चलना है, तो हमें कौन से नंबर से, जो बिग नंबर होगा उसमें से हम बैकवर्ड चलेंगे, ठीक है, कितने स्टेप 14 स्टेप, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कितना आ गया हमारा आंसर 2। देखिए 16 में से 14 को वैसे भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 ही आएगा, ये हमने नंबर लाइन से थ्रू सीधा ही पता चल गया कि हमारा 2 आ रहा है ना, और ऐसे इसको करके भी देख सकते हैं, 16 में से 14 को माइनस 1 और 10, 6 में से कौन गया 2, 1 में से बन गया 0। क्लियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन से समझेंगे अब हम इसे सब्ट्रैक्शन को, ठीक है, ए स्पोर्ट्स टीचर एट 27 टेनिस बॉल्स, ही यूज 11 ऑफ देम फॉर अ टूर्नामेंट, हाउ मेनी टेनिस बॉल्स आर लेफ्ट विद हिम, यानी एक कोच टीचर है, उसके पास कितनी टेनिस बॉल थी 27, और ही यूज 11 ऑफ देम फॉर अ टूर्नामेंट, एक टूर्नामेंट के लिए उसने कितनी यूज करनी बॉल्स 11, तो हाउ मेनी टेनिस बॉल्स आर लेफ्ट विद हिम, तो उसके पास कितनी बॉल्स बची, अभी देखिए मतलब लेफ्ट रही, तो जहां पर लेफ्ट आ जाता है वहां पे हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, मैंने आपको बताया था ऐड में क्या बताया था कि अगर टोटल लिखा हो और मोर लिखा हो तो हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, और यहाँ पर आ गया हमारा लेफ्ट, ठीक है, या डिफरेंस पूछे तो हमें क्या करना है सब्ट्रैक्शन करना है, तो अभी देखिए हमारा बिग नंबर था वहां तक हम नंबर्स लिख लेंगे, हमने 10 से स्टार्ट किया क्योंकि 11 है वहां पे, 11 से जो नंबर छोटा होता है वहां से हम उसको स्टार्ट करके और बिग नंबर तक नंबर्स लिख लेंगे, काउंटिंग लिख लेंगे मतलब, ठीक है, यहाँ पर 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ओके, अब हमें क्या करना है स्टार्ट कहाँ से करना है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में क्या होता है फॉरवर्ड नहीं सॉरी उसके अंदर जब हम सब ऐड करते हैं एडिशन के अंदर तो हम क्या करते हैं फॉरवर्ड चलते हैं, और सब्ट्रैक्शन में हमें क्या करना होगा बैकवर्ड चलना होगा, और हमारा बिग नंबर जो है वो 27 है, और हमें कितने स्टेप बैकवर्ड चलने होंगे 11, क्योंकि 11 बॉल्स यूज किए ना उसने टूर्नामेंट में, तो देखिए 11 स्टेप बैक से चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी हमारा आंसर क्या आएगा 16। देखिए कैसे 27 में से हमें 11 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हमारा आ गया 16। हो गया नंबर लाइन की, तो समझ में आ गया आपको कि बिग नंबर था 27, है ना, और बॉल्स कितनी यूज की थी 11, तो
15 और 32, आपके पास टू नंबर्स है, एक तो 15 है और एक 32 है, ठीक है। वो 28 के कौन सा नंबर क्या है क्लोजर, कौन सा नंबर ज्यादा क्लोज यानी पास में है, ठीक है। अब ये देखिए नंबर लाइन बना लेते हैं और उसके हम नंबर लिख लेते हैं, 15 से है तो 32 या 34 तक मतलब हम काउंटिंग लिख लेंगे। देखो 14 से स्टार्ट कर देंगे, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये करके पूरा 33, 34 तक चले गए हम, है ना। अब ये देखिए हमारा नंबर कौन सा था 28, है ना, और एक हमें 15 का पूछा है, 15 कहाँ पर है, हम उनको अंडरलाइन कर लेते हैं या सर्कल में कर लेते हैं, और फोर्थ कौन सा था 32, है ना। अब ये देखना है हमें ये वाला नंबर किसके क्लोज है या ये वाला 32 किसके क्लोज है, है ना। तो ये देखिए फर्स्ट स्टेप जो है उसमें हमारा क्या होगा, उसमें क्या होगा हमारा फर्स्ट स्टेप में 15 में से देखिए इसमें क्या देखना था हमें 28 के कौन सा नंबर क्लोज है। तो वैसे भी हम इसको देख लेते हैं 28 है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि 28 में से हम 15 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो क्या आ रहा है हमारा, देखिए कितने स्टेप, 28 में से किसको माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 15 को, यानी हमें 15 स्टेप कर रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। कितना बचा हमारा, देखो 28 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कितने स्टेप चलने होंगे ये देखना है। तो इसको हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, 8 में से 5 कटा हमारा 3, है ना, और 2 में से बन गया 1, यानी हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पे इसमें तो 13 आ रहा है, यानी 28 में से 15 को माइनस कर रहे तो हमारा 13। और इधर सेकंड स्टेप में देखिए 32 में से हम 28 को माइनस करते हैं तो हमारा कौन सा नंबर आता है, हमारा आता है 4 यहाँ पर। तो देखो कौन सा नंबर क्लोज हुआ, ये वाला नंबर क्लोज हुआ 32 या फिर 50 क्लोज हुआ, कौन सा नंबर बेटा क्लोज हुआ, 32 इज क्लोजर टू 28 देन 15। क्यों क्यों हुआ देखो क्लोज, ये देखिए क्योंकि 28 में से 15 माइनस कर रहे हैं तो 13 आ रहा है, और 32 में से 20 को 4, यानी ये वाला नंबर इसके पास है, ठीक है। 28 के पास कौन सा नंबर है 32, और 28 से दूर कौन सा है 15। अब आपसे क्लोजर पूछा था तो आपने क्लोजर